लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के निर्देश पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संगठन के द्वारा अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी मांगों में संविदा लैब टेक्नीशियन का नियमितीकरण, पूर्व की तरह लैब असिस्टेंट एवं ग्रेड पे के साथ नियमित पदों की संख्या बढ़ाने, अलाउंस एवं अतिरिक्त कार्य भत्ता, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, प्राइवेट प्रैक्टिस एवं बेसिक जांचों के साथ लैब चलाने की अनुमति की मांग की गई है। आइए दिखाते हैं धरना प्रदर्शन की झलकियां और सुनाते हैं अपनी मांगों को लेकर पदाधिकारियों ने क्या कहा है। हम सब एक हैं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये हमारी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन प्रांताध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के जितने नियमित लैब टेक्नीशियन हैं वो सब हड़ताल पे हैं। 13 सूत्री हम लोगों की मांग है। सबसे प्रमुख मांग हम लोगों के पदनाम परिवर्तन है, जिसमें हम लोगों को लैब टेक्नीशियन अभी जाना जाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को मेडिकल लैब टेक्नीशियन या टेक्निकल ऑफिसर जाना जाए। साथ में हम लोगों का ग्रेड पे ब्रह्मस्वरूप समिति में हर किस कर्मचारी का बढ़ाया गया, लेकिन हमारा 2800 ही बताया गया है, उसको 2800 की जगह हम लोग 4200 करना चाह रहे हैं। साथ में जितने संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने की हमारी डिमांड है, और लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंट जो हैं इनका भी ग्रेड पे बढ़ाया जाए, 2800 किया जाए, और लैब अटेंडेंट का 1900 से 2400 किया जाए। और जो आउटसोर्स से भर्तियां हो रही हैं, बाहर से प्राइवेट कर्मचारी रखे जा रहे हैं कम वेतन में, उनको बंद करके शासन के द्वारा जो भर्तियां हो रही है नियमित लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाए। इन्हीं तमाम तरह की हम सब की डिमांड है। तो आज कई दिनों से आज हड़ताल का हम लोगों का 5वां दिन है, और इसमें पूरे प्रदेश के जितने पैथोलॉजी है, ब्लड बैंक है, वहाँ का सब काम प्रभावित है। हम लोग चाहते नहीं हैं कि काम बंद हो, चूँकि हम लोगों ने कोरोना काल में फ्रंट में रहकर हम लोगों ने काम किया है। लैब टेक्नीशियन ही एकमात्र ऐसा कर्मचारी है जो अपनी जान जोखिम में डालकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अपनी जान जोखिम में डालकर मानव सेवा की है। तो हम सबकी ये डिमांड है, और हम चाहते हैं आप सबके चैनल मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सबकी मांग जल्द से जल्द पूरी करें, ताकि हम अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने के लिए वापस काम पर लौट सकें। मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है, मैं लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का संभागाध्यक्ष हूँ रीवा डिवीजन का। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, 11 तारीख से शुरू है और 13 से शुरू है, और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये चलती रहेगी। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।